गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में आपको दूसरा लेसन सब्जेक्ट बायो का दूसरा लेसन बताने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड्स, क्लास फर्स्ट ईयर में आपको बताएंगे सब्जेक्ट बायो के तहत जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जीवों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं जीवों को वर्गीकृत क्यों किया गया, क्लासिफाइड क्यों किया गया। जीवों को वर्गीकरण का हमारे साइंटिस्टों का एक तरीका ये भी था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है अध्ययन जो है करना सुगम व सरल हो जाए। इस प्रक्रिया को लेकर के साइंटिस्टों के मन में यह विचार आया कि इसको हम हर वर्ग में छोटे छोटे वर्गों में क्या किया, खंडित कर दिया जाए। तो जब खंडित करने की प्रक्रिया आई तो उस प्रक्रिया को हमारे अगले वैज्ञानिकों ने खंडित करने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा। इसको हम जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन में होता क्या है, जीवों के अध्ययन को सुगम व सरल बनाया जाता है। आसान से आसान तरीके में जीवों का अध्ययन हम करते हैं, हर तरीके से, छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट से, हर एक स्तर से देख कर जीवों का पूर्वज कौन थे, जीवों की उत्पत्ति कैसे, किस प्रकार के जीव हैं, वो अंडज हैं कि जरायु हैं, ये सारी प्रक्रिया हम हर तरीके से हर बिंदु पर करते हैं और पूरे सिस्टम को रखते क्या है, क्लासिफिकेशन के। इस वर्गीकरण में देखा जाए हमारे तमाम साइंटिस्टों ने अपने अपने योगदान दिए। इन योगदान को देखते हुए अगर देखा जाए तो कुछ हमारे जो है फेमस साइंटिस्ट हुए क्लासिफिकेशन में। पहला नाम आता है शास्त्रों में कैरोलस लिनियस, कैरोलस या कई चीजें केरोलस भी लिखा गया, केरोलस लिनियस, केरोलस या कैरोलस दो ही कह लिया। ये कहां के रहने वाले थे, स्वीडन देश के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया कि जीवों को सात इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया, सात इकाइयां। इन्होंने क्लासिफिकेशन में क्या कि सात इकाइयां, पहली इकाई क्या है, देखिए सात इकाइयां, पहली इकाई उन्होंने बनाई जगत, दूसरी इकाई उन्होंने बनाई संघ, तीसरी इकाई बनाई उन्होंने वर्ग, चौथी गण, पांचवी कुल, छठी वंश और सातवीं जात। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात इकाइयों को बना करके इन्होंने क्या किया, जीवों को वर्गीकृत किया। अब जगत की बात करते हैं, जगत में दो ही सब, आप जगत में क्या होता है, संसार। तो जगत में दो ही प्रकार के जीव बनाए गए, एक पादप और दूसरे क्या है, जंतु, प्राणी कहते हैं। तो जगत में दो है, पादप और तीसरा तो है नहीं। संघ को लिया जाए तो संघ में कुछ है नहीं, पादपों में देखा जाए तो संघ अलग होता है, जंतुओं का संघ अलग है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई, ये तो कॉमन हो गया, ये संघ हो गया, और सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जात। तो इस इकाई में देखा जाए सात इकाइयों में सबसे बड़ी संघ और सबसे छोटी क्या इकाई होती है। अब इसके तहत मान लीजिए मानव है, तो मानव को वर्गीकृत करते हैं। मानव क्या है, विशिष्ट प्राणी, इसका जगत क्या हो गया, पादप, पादप जंतु प्राणी भी कह सकते हैं। संघ क्या हो गया, कशेरुकी, कशेरुकी संघ में आता है। वर्ग क्या है, मैमेलिया, मैमेलिया या स्तनधारी। कर्ण क्या है, जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसको लिखते हैं प्राइमेट्स, यानी पूर्वजों को, जो उनके पूर्वज थे वो पूर्वजों को द्वारा एक उत्पत्ति हुई उसको हम वर्ग कहते हैं। कुल क्या है, कुल है होमोनिडी, होमोनिडी। वंश क्या है, होमो। जाति क्या है, सेपियंस। इस प्रकार से मेरे हो गया। तो हर जीवों को जो है इस प्रकार से हम क्या करते,
इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण के आधार पर एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम का नाम है द्विनाम पद्धति, जिसको हम डबल नामनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। तो डबल नामनक्लेचर सिस्टम में क्या किया उन्होंने, दो शब्द उठाए किस किसी परिगण में, एक वंश का और दूसरा जाति। वंश और जाति को लेकर के उन्होंने क्या किया, डबल नामनक्लेचर बनाया। जब मानव की बात है, वंश आपको लिखा क्या होमो, और जाति क्या है, जाति सैपियंस। तो मानव का द्विनाम पद्धति क्या हो गया, होमो सैपियंस, यानी हम लोग द्विनाम पद्धति हो गया। इसको हम बायोलॉजिकल नेम या जीव वैज्ञानिक नेम भी कहते हैं, नाम जीव वैज्ञानिक नाम कह लीजिए, द्विनाम पद्धति से बोल लीजिए। तो इस बायोलॉजिकल नाम को हमने किससे रिपीट किया, द्विनाम पद्धति के द्वारा, जिसमें वंश और जाति। वंश का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और जाति का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है ना। तो इस प्रकार से द्विनाम पद्धति और ये वर्गीकरण की सात इकाइयों का बनने का बनाने का जो श्रेय है ये कैलोरस यूनियस को, जो आगे रहने वाले हैं स्वीडन देश के। इसी क्रम में एक वैज्ञानिक हमारे आर एस विटकर, तो आर एस विटकर ने क्या किया कि पूरे संसार के जीवों को पांच जगतों में डिवाइड कर, का नाम है आर एच विटकर, डब्ल्यू एच ई ए टी ई आर, 1969 इन्होंने उसको वर्गीकरण लाया था। पहला है जगत मोनेरा, दूसरा है जगत नंबर टू, पांच बने थे। देखो पांच जगत पद्धति का नाम भी देते हैं, फाइव किंगडम सिस्टम। जगत मोनेरा के बाद दो बने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये दो। इसमें थोड़े बड़े आते हैं। जगत प्रोटिस्टा को देखा जाए तो इसमें पांच ग्रुप बनते हैं। पहला आपका है क्राइसोफाइटा, किताब में आपने दिया है। फिर क्राइसोफाइटा के बाद नेक्स्ट आता है डायनोफ्लैजलेट, फ्लैज